हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका सपना भी है कि मेरा बच्चा एक सुपर चाइल्ड बने? अगर हाँ तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिसमें आपके बच्चे को सुपर चाइल्ड बनने में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला टिप्स है, टीच देम टू बी ग्रिटी, यानी उन्हें बहादुर बनने में उनकी मदद कीजिए। अगर आपके बच्चे में किसी प्रकार का डर बैठा हुआ है तो सबसे पहले उस डर को आपको दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि डर के साथ बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अपने बच्चे को हमेशा बहादुर बनाइए। दूसरा टिप है, गिव देम गुड रिचुअल, यानी आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म का बच्चों को संस्कार देना बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अपने धर्म की आपको जो संस्कार आपके धर्म में होते हैं वो संस्कार आपको बच्चे में शुरू से ही डालने बहुत आवश्यक है। तो गिव देम टू बी रिचुअल, जब तक बच्चा संस्कारहीन होगा तो वह कुछ नहीं सीख सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, टेलिंग द ट्रूथ, हमेशा बच्चे के साथ आप खुद भी सच बोलिए और बच्चे को भी सच बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। अगर कोई चीज़ बच्चा झूठ से शुरू कर रहा है तो वो कभी भी आगे सक्सेस नहीं बन पाएगी। इसलिए बच्चे को हमेशा सच बोलने की ट्रेनिंग ज़रूर दें। सच का साथ कभी भी बच्चे के साथ नहीं छूटना चाहिए, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, बी द रोल मॉडल ऑफ योर चाइल्ड, हमेशा अपने बच्चे का रोल मॉडल बनिए, क्योंकि जैसा बच्चा घर में देखता है वह वैसा ही बनता है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा रहेगा तो बच्चा भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि अपने बच्चे को कम से कम लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना करें, और आप भी खुद लड़ाई झगड़े से दूर रहें, अपने गुस्से पर काबू पाएँ। इससे बच्चा बहुत ही अच्छा आगे प्रोग्रेस करें। नेक्स्ट पॉइंट है, चेयर द गुड स्टफ, यानी अगर आपके बच्चे ने कोई भी छोटा सा भी अगर अच्छा काम आपको करके दिखाया है तो आप उसकी प्रशंसा करना ना भूलें। हमेशा उसे एनकरेज करें, अरे शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, गुड बेटा, कीप इट अप। तो इस तरह से जो मोटिवेशनल वर्ड्स होते हैं बच्चों को और काम करने के लिए एनकरेज करेंगे। तो ये वर्ड्स जो होते हैं बच्चों के लिए एक जादुई झप्पी के समान होते हैं। तो प्लीज़ इस टाइप्स के वर्ड्स बच्चों के लिए ज़रूर यूज़ करें। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेंड क्वालिटी टाइम, आप अपने बच्चे के साथ हमेशा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बच्चा कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करे। आप बच्चे के साथ केवल शारीरिक रूप से ही ना केवल बल्कि मानसिक रूप से भी हमेशा बच्चे के साथ प्रेजेंट रहें। अगर बच्चा कोई बात कहता है तो उसे ध्यान से सुने, और बच्चा जो कह रहा है उसका रिएक्शन बच्चे को ज़रूर पॉजिटिव वे में, हमेशा पॉजिटिव वे में ही दें। बच्चे को कभी भी नेगेटिविटी बच्चे के सामने ना लाएं। इससे बच्चा अगर आप नेगेटिविटी लाएंगे तो बच्चे को बहुत ही अनकरेज उसका कम हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा बच्चे को उसके साथ स्पेंड क्वालिटी टाइम रखें। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट, अगर बच्चे को आपके किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, कोई पेंटिंग है, डांस है, म्यूज़िक है, किसी चीज़ में भी जिसमें भी आप इंटरेस्ट है, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको भी उसके साथ करना होगा, क्योंकि आप बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते। बच्चा कहाँ पर सही कर रहा है, कहाँ गलत कर रहा है, उसको आप गाइडलाइन दे सकते हैं। इसलिए आप बच्चे के साथ इंटरेस्ट में अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए। इससे बच्चे को बहुत ही मेंटली सपोर्ट मिलेगा और वो अपने इंटरेस्ट को और अच्छी तरह आगे बढ़ाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे के इंटरेस्ट के साथ आपको अपने इंटरेस्ट ऐड करना है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, गिव देम सपोर्ट, हमेशा बच्चों के आप सपोर्ट में खड़े रहिए। बच्चा चाहे अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, आपको हमेशा उसके सपोर्ट में उसके साथ खड़े रहना है। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो आपको बच्चे के अप्रिशिएट करना है बच्चों को कि बहुत अच्छा करा आपने और इसे और कीजिए, तो बच्चा और एनकरेज के साथ और उसे अच्छा करने की कोशिश करेगा। और अगर आपके बच्चे ने थोड़ा बहुत भी कुछ मिस्टेक की है, कोई गलती कहीं की है, तब भी आप उसके साथ खड़े रहें और उस गलती का परिणाम आप बच्चे को बताइए, पॉजिटिव वे में उसे समझाइए कि आपने जो गलती की है उसका क्या परिणाम हो सकता है या आप अपनी गलती को कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चे को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, चाहे वो अच्छा कर रहा है या ख़राब कर रहा है, क्योंकि अगर जिन बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता है वो हमेशा घर की जगह दूसरे बाहर का रास्ता ढूंढता है या बाहर के लोगों को अपनी बात शेयर करने देता है। इसीलिए आपको अपने बच्चे को सपोर्ट ज़रूर करना है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, पेशेंस,
आपको बच्चे के साथ बहुत ही पेशेंस से रहना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने जो बात कही है आपको उसे बहुत ध्यान पूर्वक उसे सुनना है। बच्चा जो भी बात अपनी शेयर करता है, चाहे स्कूल की है, चाहे अपने खेल से रिलेटेड है, कुछ भी शेयर करता है, आप उसे पेशेंस के साथ सुनिए। और आप बच्चे से एकदम उम्मीद ना कीजिए कि बच्चा ने आज ये मार्क्स लाया है तो ऐसे मार्क्स क्यों लाया, इतने खराब मार्क्स क्यों लाया। अरे बच्चे ने आज अगर कम मार्क्स लाया तो कल को वो ज़्यादा मार्क्स भी लाएगा। आप इस चीज़ को खुद भी अपने ऊपर देखिए कि अगर आपने कोई भी बिज़नेस शुरू किया है, या मान लीजिए आप किसी भी पेशे में हैं, तो आप ये नहीं है कि आप ज़ीरो से लेकर डायरेक्ट ऊपर ही पहुंच गए थे। आपको भी अपना बिज़नेस खड़ा करने में बहुत टाइम लगा, और इसलिए बच्चे का भी सोचिए कि बच्चे को भी आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, उसे टाइम दीजिए, पेशेंस के साथ आप उसे सुनिए, उस धैर्य रखिए, आपका बच्चा ज़रूर अच्छे से अच्छा कोई ना कोई वर्क आपको ज़रूर करके दिखाएगा। और लास्ट में मेरा पॉइंट है योर प्रेजेंस। आपको अपने बच्चे के साथ हमेशा मौजूद रहना है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, आपको अपने बच्चे के साथ मौजूद रहना है। आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने बच्चे के साथ एक हर समय चिपकना है, बल्कि आपको अपने बच्चे के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा मौजूद रहना है। अगर आप कामकाजी भी हैं और आपके पास समय नहीं है बच्चे के साथ बैठने का, तो आप जहाँ भी आप वर्क करते हैं तो वहाँ से 2 या 3 मिनट का वर्क तो आप बच्चे के लिए निकाल ही सकते हैं। उसे फ़ोन पर कॉन्टैक्ट में रहिए कि बच्चा आपका क्या कर रहा है, तो बच्चे को भी एक मेंटली सपोर्ट मिलेगा कि हाँ हमारे पेरेंट्स हमें हर समय हमारी निगरानी, बच्चे को लगेगा कि हम हमेशा अपने पेरेंट्स की निगरानी में है, वो उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी बच्चा अकेला महसूस होगा बच्चे को, तो वो बाहर की तरफ हमेशा भागेगा, बाहर के लोगों के संपर्क में आएगा। तो क्यों ना हम बाहर के लोगों के संपर्क के बजाय खुद बच्चे को अपने संपर्क में रहें। मेरे इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने बच्चे को एक सुपर चाइल्ड बनाने में मदद कीजिए। अगर आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।